ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेक्ट। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करते समय जब हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट हमारा फेल हो जाता है तो पेमेंट जो है हमें रिफ़ंड कैसे मिलेगा। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पेमेंट करते समय उसका पेमेंट कट गया है, रिफ़ंड नहीं आया है, तो आप लोगों पेमेंट जो है आप लोग कैसे रिफ़ंड ले सकते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आधार कार्ड से पैन कार्ड आपको लिंक कैसे करना है। इस टॉपिक को मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में वीडियो को लिंक मिल जाएंगे, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कैसे करना है। लेकिन कुछ लोग क्या है, यहाँ पर आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने की कोशिश कर रहे थे और पेमेंट मेथड पर पहुँच गए थे, जैसे ही पेमेंट किया है तो उनका पेमेंट जो है फेल्ड हो गया और बैंक से उसका पेमेंट कट गया, लेकिन उनका पेमेंट रिफंड नहीं आया। तो इस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, नंबर वन, जब आपने पेमेंट किए होंगे और पेमेंट आपका फेल्ड हो गया होगा, तो पेमेंट फेल्ड होने का दो रीज़न हो सकता है। एक तो जिस बैंक से आपने पेमेंट किए हैं उस बैंक का सर्वर की प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी वजह से भी आपको ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया होगा। या फिर सेकेंड नंबर, इनकम टैक्स के वेबसाइट से हम पेमेंट किए हैं, हो सकता है वेबसाइट से भी कुछ प्रॉब्लम होगा, इसकी वजह से भी ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया होगा, या फिर टाइम आउट हो गया होगा, इसकी वजह से भी पेमेंट आपका फेल्ड हो गया होगा। इन दोनों कंडीशन में आप लोगों 4 से 5 दिन तक आपको वेट करना है। यदि ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ है तो ऑटोमेटिक आप लोगों को रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोगों ने गलती किया है, जब वो पेमेंट कर रहे थे तो ईयर जो है उन्होंने 2022-2023 सेलेक्ट कर लिया है और उन्होंने पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया है, उनका पेमेंट कट भी गया है, लेकिन उनका आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं हुआ है। आपने भी अगर 2022-2023 ईयर सेलेक्ट किए हैं तो आप लोगों को फिर से यहां पे आप लोगों को 2023-2024 सेलेक्ट करने के बाद पेमेंट करना पड़ेगा फिर से, तभी आप लोगों को आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक होगा, अन्यथा नहीं होगा। और वो जो पेमेंट जो आपने पहले किए हैं ईयर गलत सेलेक्ट करने की वजह से, तो वो जो 1000 रुपये है वो आप लोगों को रिफ़ंड नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको लेकर अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कोई भी अपडेट नहीं आया है। जैसे ही इसके लेकर कुछ न्यू अपडेट आता है तो आप लोगों को इसी चैनल पे अपडेट दे दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही, वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।